नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टेक्निशियन। फिलहाल वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ खास खबर। उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, जिसमें 26 यात्रियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के वक्त बस में 30 यात्री सवार थे। कानपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ अराजक तत्व हंगामा करते हुए दूसरे समुदाय के लोगों से धक्का मुक्की कर रहे हैं। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सुल्तानपुर में एसओ धनपतगंज श्रीराम पांडे पर आरोप है कि उनकी शय पर विवादित भूमि पर रात के अंधेरे में निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे पीड़ित रमाशंकर पांडे खासा परेशान है। सुल्तानपुर में देहात कोतवाली के विवादितपुर गांव में गोली लगने से एक कुत्ता घायल हो गया। इतना ही नहीं, सांसद मेनका गांधी के फोन के बावजूद डॉग का इलाज न हो सका और उसकी मौत हो गई। अमेठी में थाना बाजार शुक्ल पुलिस ने दुराचार और मारपीट में वांछित श्रवण यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को काफी अरसे से श्रवण की तलाश थी और आखिरकार उसे धर दबोचा गया। अमेठी में फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के पूरे नया गांव में रहने वाले पोस्टमैन ओम प्रकाश यादव के घर चोरों ने धावा बोल दिया और नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। अमेठी में भेटुआ के दीनापुर गांव में देर रात घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। अमेठी में उपखंड तिलोई के विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से संविदा कर्मी लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया, जिससे बुरी तरह झुलस गया। अयोध्या में पटंगा पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों से मोबाइल और सामान चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रायबरेली की उचाहर कोतवाली पुलिस ने सवैया तिराहे पर गोवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान ड्राइवर डर गया और ट्रक बेकाबू होकर गड्ढे में जा घुसा। फिलहाल पुलिस ने सभी गोवंशों को आश्रय स्थल भेज दिया है। रायबरेली में आईटीआई के कौशल विकास केंद्र के हॉस्टल में एक छात्र का शव पंखे से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली में थाना गदागंज क्षेत्र के लालगंज दीना शाह गौरा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि ये मारपीट जमीनी विवाद में हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहराइच में कोतवाल नानपारा शमशेर बहादुर सिंह ने भारी मात्रा में लहन और जहरीली शराब बरामद की, साथ ही दो महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। हापुड़ की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 13 लोगों की मौत हो गई और घायल मजदूरों को मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।